मुंबई इंडियंस को आईपीएल इतिहास की सबसे कामयाब टीम कहा जाता है। इस टीम ने अपने शानदार खेल के दम पर 5 खिताब अपने नाम किए हैं। इस टीम की कामयाबी का सबसे बड़ा राज खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाकर उन्हें मैच विनर बनाना है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 खिलाड़ियों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस ने उनकी काबिलियत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 1, आईपीएल 2013 ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने मैक्सवेल को $1 मिलियन में खरीदा था। उस सीजन मैक्सवेल को इतनी बड़ी धनराशि में खरीदने के बावजूद मुंबई ने उन्हें मात्र 3 मैचों में ही खिलाया। इसके बाद उन्हें 2014 सीजन से पहले रिलीज कर दिया और मैक्सवेल ने आईपीएल में नई टीम के साथ उस सीजन धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीता था। नंबर 2, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजों में गिना जाता है। चहल ने अपनी लेग स्पिन से भारतीय टीम के लिए तथा आईपीएल में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और खुद को एक मैच विनर गेंदबाज बनाया। आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने से पहले गेंदबाज मुंबई इंडियंस का हिस्सा था। 2011 से लेकर 2013 तक टीम का हिस्सा रहने के बावजूद इन्हें मात्र एक मैच ही खेलने का मौका मिला। उस मैच में उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 34 रन दिए थे। नंबर 3, क्रिस लिन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी काबिलियत का मुंबई इंडियंस ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इस बल्लेबाज को मुंबई इंडियंस ने 2020 के ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल किया था। लिन को सीजन 1 भी मैच में नहीं खिलाया गया और 2021 के सीजन भी उन्हें डिकॉक के न होने पर खिलाया गया और अच्छे प्रदर्शन के बावजूद पहले मैच के बाद उन्हें मौका नहीं दिया गया। लिन के पास किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के सामने विस्फोटक बल्लेबाजी की कला है, लेकिन मुंबई ने अभी तक इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया।